हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सादिया इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ मीठी सेवई की रेसिपी, जो मैं बहुत ही इजी तरीके से और फटाफट बना के आप लोगों को तैयार करना सिखाऊंगी। और ये खाने में ज़बरदस्त टेस्ट होता है, तो आप लोग घर पे ज़रूर इसको ट्राई करें और मेरे वीडियो को एंड तक देखें। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक बहुत ही आप लोग कम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सेवई, ये मैं 150 ग्राम ले लिया है और ये एकदम बारीक वाला सेवई है। और मैंने ले लिया है शक्कर, शक्कर मैं ले ली हूँ 70 ग्राम। और साथ ही में ले लिया हूँ मैं 2 इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी का। और उसी के साथ ली हूँ बेदाने, किशमिश भी बोला जाता है इसको। और लिया है मैंने काजू और घी में बड़े 2 चम्मच ली हूँ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। एक भगोने में थोड़ा सा पानी ले लेना है आपको और पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और गर्म होते ही इसमें तुरंत सेवई को डाल दे और सेवई को हिला दे, थोड़ा सा मिक्स करके इसको तुरंत आपको छान लेना है। ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रखना है, नहीं तो सेवई जो है वो बहुत ही ज़्यादा गल सकता है। तो ये देख सकते हैं इसको मैं तुरंत ही छान रही हूँ और पानी भी एकदम थोड़ा सा ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसको छान के इसका पानी पूरा निकाल लें और फिर कढ़ाई को गरम चढ़ा दें और उसमें डाल दें घी। घी आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। और घी को पहले अच्छी तरह से मेल्ट कर रही हूँ। ये देख सकते घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 3 इलायची और 2 दालचीनी का टुकड़ा और इसको थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड तक थोड़ा सा फ्राई कर ले और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो ये जल सकता है। और अभी इसमें डाल देना है आपको काजू और किशमिश, ये दोनों को एक साथ में डाल के थोड़ा सा और भी फ्राई कर ले 15 से 20 सेकंड तक। ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा नॉर्मल फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा डार्क रेडिश नहीं कलर लाना है। अभी इसमें तुरंत ही डाल दे शक्कर, शक्कर आप अपने मीठा के अनुसार डालें, जितना ज़्यादा आप मीठा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप शक्कर को ऐड कर सकते हैं। तो शक्कर थोड़ा सा 1 मिनट तक इसको हिला लेना है और उसी के साथ डाल देना है आपको सेवई। और सेवई को डाल के आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से शक्कर के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके आपको इसको ऐसा ही छोड़ देना है और ढक के एकदम लो फ्लेम पे, आपको ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट तक ही पकाना है। और बीच में आप एक बार चलाते रहे, नहीं तो नीचे से सेवई जो है वो चिपक सकता है। ये देख सकते इसको मैं अभी ढक रही हूँ और ढक के मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दी थी। ये देख सकते हैं सेवई हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इससे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम सूखा। देख सकते हैं एक एक अलग अलग है सेवई का जो है। अभी इसको सर्व कर लेते हैं, तो गर्मा गर्म इसको सर्व करें। आप लोगों को ये सेवई बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और मेरे चैनल को नए आए हैं आज पहली बार, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलेंगे ऐसी नई नई रेसिपी के साथ, तब तक कि अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।